सीकर जिले के नीमका थाना कस्बे के कुरबड़ा में आश्रम जनजाति बालिका छात्रावास का शिलान्यास किया और छात्रावास की आधारशिला रखी गई। समारोह में राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया ने कहा कि राजस्थान सरकार जनजाति की बालिका शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। जनजाति छात्रावास खोलने पर गरीब छात्राएं अपनी पढ़ाई कर सकेंगी, इसके साथ ही वे आगे बढ़ सकेंगी। बामनिया ने बताया कि नीमका थाना में 2,80,00,000 रुपए की लागत से फर्नीचर से सुसज्जित छात्रावास तैयार करवाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रावास में बालिकाओं को रहने खाने की सभी सुविधाएं रहेंगी और आने वाले समय में छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल हो, इसी भावनाओं के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे प्रदेश में जनजाति छात्र छात्राओं के लिए जो व्यवस्थाएं की है वे गर्व की बात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 और छात्रावासों की घोषणा की है, जिस पर सभी 15 छात्रावासों के लिए टेंडर हो गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जयपुर में महारानी कॉलेज में भी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 200 छात्राओं के लिए छात्रावास खोला है। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है। वहीं राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विधायक सुरेश मोदी ने कहा कि जनजाति छात्राओं के लिए यह छात्रावास मील का पत्थर साबित होगा। छात्रावास में बालिकाएं अपनी पढ़ाई कर सकेंगी और आगे बढ़ सकेंगी। इसके साथ ही उन्होंने राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया से जनजाति क्षेत्र में 16 ट्यूबवेल करवाने की मांग की थी, जिस पर राज्य मंत्री ने 10 और ट्यूबवेल लगाने की घोषणा की। इस दौरान कई अधिकारी कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समारोह में विधायक सुरेश मोदी, खंडेला विधायक महादेव सिंह, खेतड़ी विधायक डॉ जितेंद्र सिंह, कुंजीलाल मीना आईएएस, केएल मील, आरडी मीना, सेवानिवृत्त आईएएस सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का मन संचालन मनोज मीणा प्राचार्य ने किया। एजुकेशन किया तो मुझे दिल तो रहे कि आप सब एक से एक बढ़कर हर क्षेत्र के धुरंधर हैं, तो मैं क्या बोलूं, मेरा हर शब्द छोटा होगा, इसलिए हाथ पांव हिल रहे हैं। पर धैर्यशील व्यक्ति हूं, शांति से चलने वाला हूं, इसलिए मुझे विश्वास भी है कि मैं आपकी बराबरी के नहीं, पर कुछ चीजें ऐसी है होगी जो मेरे जीवन काल की अच्छा, लेकिन नीम का थाना को भी नहीं बुलाए उन्होंने। पहले फेज में खेतरी में पानी लाए, लेकिन दूसरे फेज में नीम का थाना का नाम भी, खंडेला का नाम भी इन्होंने सीकर जिले का लिखा। और आज वही वजह है कि हम लोग उस बीज को पौधा बनाने के, पेड़ बनाने के प्रयास में लगे हुए। मैं आपको एक लेटेस्ट सूचना देना चाहता हूँ कि 8,800 करोड़ रुपए की डीपीआर मंजूर हो चुकी है। और जो दो चूसे पानी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी कि मैंने तो पानी भी रिजर्व, सर आपने पूरा कार्यक्रम देखा ही है। जनजाति विभाग द्वारा यहाँ की एसटी बच्चियों के लिए 2,80,00,000 का आश्रम छात्रावास माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार खुला है, उनकी बजट घोषणा भी है। और यहाँ बच्चियों को जो इस छात्रावास में रहेगी उनको खाना पीना सारी व्यवस्थाएं, पढ़ना सारी व्यवस्थाएं यहाँ मुहैया कराई जाएगी। आने वाले समय में इन बच्चियों का भविष्य उज्ज्वल हो, ऐसी भावना के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में जनजाति छात्र छात्राओं के लिए जो व्यवस्था की है वो हमारे लिए अनुकरणीय है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैंने अभी भाषण में भी बताया कि करीब एक क्षेत्र के लिए 15 ऐसे छात्रावास वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और 15 के टेंडर हो गए। हम आने वाले समय में पूरे ही पूरा करेंगे। और उसके साथ साथ में जयपुर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद में महारानी कॉलेज में 200 लड़कियों के हॉस्टल खुले हैं। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो करीब 20 करोड़ का है वो भी चालू किया है। इस तरह एजुकेशन के क्षेत्र में जनजाति छात्र छात्राओं के लिए सरकार ने बहुत बड़ी सौगातें दी। सर नीम का थाना का छात्रावास क्या फर्नीचर से बिल्कुल रहेगा? भाषण में